2 दिन अस्पताल क्या गए? ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया से ही कट गए। दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। जब से स्वर्ण भवन से आए हैं, अखबार कहाँ पढ़ा है आपने? तो अखबार आता कहाँ है यहाँ जो हम पढ़ें? किसने पुराना अखबार तक नहीं दिया हमें पढ़ने के लिए? समझते नहीं हैं कि हमारा सिर्फ घर बदला है, आते नहीं बदली हैं हमारी। पिताजी, कल हम वही 3-4 अखबार एक साथ ले आएंगे जो आप स्वर्ण भवन में पढ़ते थे। पिताजी, हम आपसे एक बात पूछें? पूछो। आपको लड़कियों का नौकरी करना कैसा लगता है? गलत। स्वर्णा जी, गलत नहीं लगता है हमें लड़कियों का नौकरी करना। कोई बुराई नहीं है आत्मनिर्भर होने में, लेकिन तुम कभी नौकरी करने की मत सोचना बेटा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अचानक इसे जाने का फैसला क्यों किया तुमने लता? माँ, आपने प्रकाश भैया को डांट जरूर दिया, पर वो सही कह रहे थे। मेरे यहां से जाने से कम एक आदमी का बोझ तो कम होगा राघव मामा के सर से। वो चाहे ना बोले, पर सच बात तो यही है कि हमें उनका सहारा बनना चाहिए, और उसका यही रास्ता है कि हम कहीं कुछ नौकरी करें। धीरे बोलो, तुम्हारे पिताजी सुन लेंगे। माँ, हम जानते हैं पिताजी को हमारा नौकरी करना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने सरसरी बात करके देख ली है पिताजी से, पर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर चाहे पिताजी से छुपा कर करें। सूरज और सच्चाई छुपाने से नहीं छुपते हैं बेटा। जरूरत और दर्द भी अनदेखा करने से कम तो नहीं होते हैं ना माँ? चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हर रात का सवेरा होता है माँ। हेलो जी, आपके यहाँ एडवोकेट साहब के लिए पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है? जी हाँ। हम इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं। कितना बड़ी हैं आप? जी, हमने ग्रेजुएशन किया है। 11 से 5 की ड्यूटी है, कर पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। एडवोकेट साहब बहुत सख्त आदमी है, डांट भी देते हैं। छोटों की गलती पर बड़ों को डांटने का हक है। ऐसा है तो आ जाइए 11 बजे। जी, आप पता बताएंगे? लिखिए, ठाकुर विश्व प्रताप रोड, स्वर्ण भवन। स्वर्ण भवन? आभा जी। दीदी, सर अपना फोन देना, तुम्हारे जीजा जी को फोन करके बोल दूं कि मुझे आकर ले जाए। दीदी, आपका ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा। मेरा भी मन कहाँ कर रहा है, लेकिन शायद अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं। हेलो, आप 11 बजे मत आइए, एडवोकेट साहब बिजी हैं। और किस टाइम आ सकती हैं आप? 2 बजे के बाद। जब आप कहें आ जाएंगे हम। मैं तो कहता हूँ कि आप 2 बजे ही आ जाइए।
जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जैसे पहले के 12 लोग रिजेक्ट हुए हैं, आपको भी रिजेक्ट ही होना है। वैसे ऑल द बेस्ट है। कहाँ जा रही हो आपा? एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए, जिंदगी का पहला इंटरव्यू। जानती हैं कहाँ है दीदी? स्वर्ण भवन में। माँ, हम भी चले जाते हैं भैया के साथ आधे रास्ते। कहाँ? एक इंटरव्यू है। माँ आशीर्वाद नहीं देंगी? माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है बेटा। भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। जी, माँ ने पूछा नहीं और हम आपको बता नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं काम मांगने। आज अलग नजरों से देखेंगे अपना स्वर्ण भवन। रुकिए मैडम। यहाँ मैं घर घर खेली। क्या है मैडम, आपको किससे मिलना है? वो हमारा इंटरव्यू, मतलब एडवोकेट साहब ने बुलाया है। मैं पूछकर आता हूँ। इन्होंने यहाँ ऑफिस बना लिया जी। आप? अरे थैंक गॉड, मुझे फिर से इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ेगा, आपने मुझे पहचान लिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं?
वही जो आप कर रहे हैं। हम भी इंटरव्यू देने आए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्लीज? देखिए, अजनबियों से बात करने की आदत नहीं है हमें। हमें आपसे बात नहीं करनी है, बस आपको अपनी मजबूरी बतानी है। देखिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मुझे अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी माँ को अपना मायूस चेहरा दिखा नहीं पाऊंगा। सच्ची, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास उनकी दवा के लिए पैसे भी नहीं। याद है उस दिन मैं आपको हॉस्पिटल में मिला था? आप दिखने में तो ठीक ठाक लगते हैं। इन कपड़ों पे मत जाइए, ये तो मैं एक दोस्त से उधार लेके आया हूं। पर रहने दीजिए, आप मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे। क्या नाम है आपका जी? आप तस्वीर। तस्वीर? अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम बदलना हो तो क्या करना चाहिए? हम समझे नहीं। It's a simple question. अगर किसी को नाम बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और किसी न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। ये जॉब क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हम वकालत नहीं कर पाए। वकील क्यों बनना चाहती थी? सर, वकील बनकर हम उनके लिए काम करना चाहते थे जिन्हें ना अपने अधिकारों का पता है ना कर्तव्यों का, जिन तक न्याय पहुंचते पहुंचते अन्याय हो जाता है। सर, वकालत हमारे लिए पेशे से ज्यादा सच को सच साबित करने का हुनर है, समाज सेवा और देश सेवा करने का एक तरीका। किसी भी देश का जुडिशरी सिस्टम जितना मजबूत होगा, उस देश के नागरिक उतने ही डिसिप्लिन्ड होंगे। सामाजिक अनुशासन होगा, और अनुशासन तो सफलता का मूल मन। सॉरी सर, हम ज्यादा बोल गए। नहीं, जो बोला सही बोला। वीर जी। बाबा, कल से हमारे साथ काम करेंगे। क्या कहा आपने? हम कल से यहाँ काम कर सकेंगे? यस, चाहो तो तुम आज से ही काम संभाल सकते हो। काम क्या है? आओ मेरे साथ। हाई नहीं रहने दो, काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। जी जी, हम हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। बल्कि सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हम पूरी ईमानदारी के साथ भी काम करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ अकाउंट वकाउंट का काम है क्या? बताते हैं। आओ तो। जी, ये ड्रेस पहन कर देखो। ये क्यों? अगर ये तुम्हें फिट हो गई तो तुम्हारी नौकरी भी फिट। एक डोरमैन के लिए ये ड्रेस जरूरी है। तुम इसे पहनकर जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ। सात दिन का समय मांगा था और अब 7 दिन में सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं।
जी हाँ हाँ, मुझे याद है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे टाइम पे। कैसे हैं आप? मैं कैसा हो सकता हूं, ये जानते हुए भी क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं ठीक नहीं हूं। मतलब की बात करो, फोन क्यों किया? मैं चाहती थी कि आप आकर मुझे ले जाएं। क्यों, पिता के घर में अब खाना भी खत्म हो गया क्या? ऐसा मत कहिए, भगवान न करे कभी ऐसा हो। मैं बहुत रह चुकी यहां। शादी के बाद लड़की का अपना घर अपने पति का ही घर होता है। ओ, बहुत जल्दी याद आ गया। कब आएंगे आप मुझे लेने? जब मेरे पास समय होगा। लीजिए। नहीं चाहिए हमें कुछ भी। जब आए दिन हमारी आन बान को ठेस पहुंचेगी तो हम जी कर क्या करेंगे? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें हम ऐसी बात चंद्र बाबा, क्यों ना करें? प्रकाश तो जाता ही था, आज आभा भी चली गई। आभा काम ढूंढने नहीं गई है, वो एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। अस्पताल में वो लोग आभा से मिले और कहने लगे कि अगर वो आके थोड़ी देर के लिए उन बच्चों को पढ़ा सके तो थोड़ी देर पढ़ा देने से बच्चे सब सीख जाएंगे क्या? नहीं, कुछ और लोग भी होंगे ना वहाँ पढ़ाने के लिए। आपको बताने आई थी लेकिन आप सो रहे थे। पुण्य का काम था इसलिए हमने भी नहीं रोका। हमारा भवन बदल गया है चंद्र प्रभा, हमारा रहन सहन बदल गया है, लेकिन हमारे संस्कार और हम नहीं बदले हैं। ये बात आप भी याद रखिएगा और बच्चों तक भी पहुंचा दीजिएगा जरूर। हम जानते हैं पिताजी, हमें आपको बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पिताजी सो रहे थे तो तुम भी क्या करती? लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए आभा। क्या सहायता चाहते हैं ये एनजीओ वाले तुमसे? वो बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या? वर्ण, आभा से बात कर रहे हैं हम चंद्र प्रभा, आपसे नहीं। कितनी देर पढ़ाना होगा बच्चों को? सुबह 11 से 5 बजे तक। ये तो एनजीओ का काम नहीं रहा, कोई आम सी नौकरी हो गई ये तो। आप सही कह रहे हैं पिताजी, पर हम जाएंगे तो बच्चों का भला हो जाएगा। हम चले जाया करें ना। नहीं माँ, हम समझते हैं आपने पिताजी से वो एनजीओ वाली बात क्यों कही, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, इनकार कर दिया पिताजी ने। हालांकि सब कुछ तुम्हारे पिताजी के सामने है, हमारी हालत भी, असलियत भी और मुश्किलें भी, फिर भी उनके अस्तित्व को हम जितना बचा सके उतना अच्छा है। वैसे तुम्हें नौकरी मिली कहाँ है?
क्या हुआ, ऐसे चुप क्यों हो? माँ, पिताजी को दवा कब देनी है? हाँ, हम उन्हें अभी दवा दे के आते हैं। मैं तो इस घर की नौकरानी बन के रह गई। अच्छा रिश्ता बनाया आपने, सारी उम्र के लिए मेरे गले में ऐसा ढोल डाल दिया है जो ना चाहते हुए भी मुझे बजाना पड़ेगा। धीरे बोलो, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा? और क्यों कर रही हो ऐसी बातें तुम? क्यों कर रही हूँ? देख नहीं रहे आप? सारा दिन पल भर के लिए भी सांस लेने को नहीं मिलती मुझे। दो दो तीन तीन सब्जियां, सफाई, कपड़े, पहले सिर्फ चार चपातियां बनानी पड़ती थी मगर अब 20 बनानी पड़ती है। और खर्चा, खर्चा भी देखा है अपने कितना हो रहा है आजकल। अरे पहले मैं सिर्फ एक लिपस्टिक मांगती थी तो 100 नखरे दिखाते थे आप, मगर आजकल रोज ताजे ताजे फल, 5-5 लीटर दूध, दवाइयां, पर ये सब कहां से और कैसे आ रहा है क्या मैं नहीं जानती? इन चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। अरे सफेद हाथी घर में बांधना कोई अकलमंदी है? जाके कह दीजिए उनसे। बस अब एक शब्द और नहीं। ये दूध वापस किचन में रख दो आबा। नहीं माँ, हम ब्रिज को पैसे देकर और दूध मंगवा लेंगे। कुछ पैसे अभी हैं हमारे पास। पिताजी की सेहत हम सबके लिए बहुत जरूरी है। माँ, आप इन्हें फोन कर दीजिए और कहिए कि हम वापस जाना चाहते हैं। हम यहाँ रहकर बिना बात खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते राघव मामा का। आभा, तुम अपने पिताजी को यह दवाई देना, हम समरजीत को फोन करते हैं। ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट। How dare you? क्या समझा है तुमने मुझे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ऐसे बिहेव करते हैं कस्टमर्स के साथ? क्या हुआ? क्या हुआ मैम? ये किस टिप्पण को खड़ा कर दिया आपने? मुझे 50 रुपए देना था अंदर आने से पहले। ये क्या बदतमीजी है? मैंने पहले कहा था कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, तुमने मैम को पैसे क्यों दिए? चलो मैं इसे माफी मांगो। काश मैम से माफी मांगो। सॉरी बोलो। पता नहीं तुम्हारे बेवकूफ माँ बाप ने तुम्हें कुछ समझाया था कि नहीं। सॉरी बोलो। नहीं, खबरदार, जो हमारे मामा की शान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी जीत जाएगी, तुम्हारी छोड़ दो हमें। मैं
नहीं चाहिए हमें तुम्हारी घटिया नौकरी। वीर भैया हाँ? अरे ये सब छोड़ो ना, आप अकेले, वो लड़की का है। वो तो चली गई। एड्रेस लिया ना? एड्रेस का क्या कर रहा है? मुझे छुट्टी थोड़ी मिल पाती ऑफिस से। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। अरे आपको मालूम है ये लड़की मिल जाती है, इसका एड्रेस नहीं मिलता। तुम इस लड़की से भी पहले मिल चुके थे? ऑफ कोर्स। तुम हर लड़की को पहले कैसे मिल लेते हो? वीर भैया, इसे आर्ट कहते हैं, आर्ट। मैं तो कहता हूँ ये साइंस है, इसीलिए मेरे लिए डिफिकल्ट है। पर करण, तू मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता है ना? पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बाद में। अभी ना मुझे स्टेला से मिलना है। परसों सुधा, कल आरती, आज स्टेला, और मैं अकेला। भैया आपको पता है, स्टेला मेरी 22वीं 22nd गर्लफ्रेंड। 22वीं? करण, मुझे भी पता ना, ये सब होता कैसे है? 500 का छुट्टा है, है ना? ये ले। थैंक्स। 500 का नोट तो दे। कल देता हूँ ना पापा से लेके। और देखिए, कल जैसे ही कोई लड़की इंटरव्यू के लिए आएगी, तब मैं उससे बात करा के आपको बता दूंगा कि बात कैसे करते हैं, है ना? कल कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पापा ने उसी को रख लिया है जो आज आई थी। सच्ची? वाओ, ग्रेट। कैसे हो शैली बेटा? नमस्ते पापा। आपकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा हालचाल पूछ लूं। अच्छा किया। बेटे को ना सही, बहू को तुम्हारी याद आई। विमल को बात समझ में आई? किसका फोन है, शैली का? जी अम्मा। बेटे लो, दादी से बात करो। हेलो। नमस्ते दादी। नमस्ते शैली बेटा। बेटा, मुझे टुकड़ों में काहे को बांट रहे हो तुम लोग? आज ही मैं जग्गू से बात करने वाली थी, अच्छा हुआ वो सामने और मैं तुझसे बात कर रही हूँ। देख, विमल से कह दे कि दादी कहती है अपनी जिद छोड़ दे। जब से यहाँ आई हूँ, एक निवाला भी हलक से सही ढंग से नीचे नहीं उतर रहा है। इस बुढ़ापे में किस कसूर की सजा दे रहा है वो मुझे? दादी, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तूने समझा लिया ना? उसे बोल कल मैं आ रही हूँ, उसे समझाने नहीं, तुम दोनों को अपने साथ यहाँ लाने, समझी? वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसके कान पकड़ उसे यहाँ ना ला सकूं। बस बात खत्म। ठाकुरों को किसी भी हालत या हालात में अपने उसूल नहीं तोड़ने चाहिए। तुम उन बच्चों की सहायता जरूर करो। मतलब हम वहां रोज रोज जा सकते हैं? हाँ, लेकिन हमारी एक शर्त। शाम को सूरज ढलने के एक घंटा पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, हर हाल में। जी, हमें मंजूर है पिताजी। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब जिस दिन तुम्हें घर पहुंचने में देर हुई, वो दिन तुम्हारे लिए घर से बाहर जाने का आखिरी दिन होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।